बट वी थिंक लाइक ए नेशन ऑफ द मिलियन पीपुल, वी शुड कीप योर थिंकिंग ऑन द हाई लेवल। लेकिन हम है वो अपनी थिंकिंग है उसको क्या रखते हैं, हमेशा ऊंचा रखते हैं। तो ये क्या विचार थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के कि भाई हमारा देश में बहुत ज़्यादा, भारत देश में बहुत ज़्यादा जनसंख्या बस्ती है और हम अपनी थिंकिंग को, विचारों को बहुत ऊंचा रखते हैं। वी हैव गॉट ए सिविलाइज्ड हेरिटेज टू लिव इन ए पीसफुल लाइफ। हमारी एक बहुत ही सिविलाइज्ड, सिविलाइज मतलब सुसभ्य, सुसभ्य है ना, हेरिटेज मतलब संस्कृति। तो हमारी हमेशा से एक बहुत ही अच्छी और सभ्य संस्कृति रही है और हमें हमेशा अपनी एक पीसफुल जिंदगी, पीसफुल मतलब क्या होता है, शांतिपूर्ण जिंदगी जीने में विश्वास रखते हैं। वी शुड नॉट अलाउ एनी रिलीजन और एनी इंडिविजुअल फेनेटिज्म। हम किसी भी एक धर्म को, किसी भी व्यक्ति को, फेनेटिज्म का अर्थ होता है कट्टरवाद। जैसे कोई भी कट्टरवाद तो आप समझते होंगे, कोई भाई एकदम कट्टर विचार रखना तो दूसरे धर्म संस्कृति व्यक्तित्व को नहीं माने, वो क्या होता है कट्टरवाद होता है। तो हम किसी भी व्यक्ति को, धर्म को या कोई लोगों को ऐसा वो नहीं देते हैं, अलाउ नहीं करते हैं कि वो एकदम कट्टर हो जाए अपने विचारों के प्रति। टू इंडेंजर आवर नेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनी अदर इंडिविजुअल रिलीजन और पार्टी। तो हमारे देश की अखंडता है, एकता है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि कोई एक देश का धर्म या कोई एक रिलीजन या कोई एक व्यक्तित्व है। तो इस बात से मतलब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के क्या विचार थे, मैं आपको एक समरी करके बता देता हूँ। वो ये बताना चाहते थे कि हमारा देश बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या रहती है, अलग अलग धर्म के लोग, विचारों के लोग, संस्कृति के लोग, वेशभूषा आभूषण सब कुछ अलग है हमारा, लेकिन फिर भी हम एक हैं। हमारी जो सभ्यता है ना, सिविलाइज हेरिटेज है, मतलब बहुत जो हेरिटेज है वो सिविलाइज है, बहुत सुसभ्यता है, सुसभ्यता से भरी हुई है। हम हमेशा शांतिपूर्ण जिंदगी जीना पसंद करते हैं और हमारे देश में सभी जो धर्म है उनका सम्मान किया जाता है, हम किसी एक धर्म पर निर्भर नहीं है। चलो ये थे उनके विचार, अब बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। व्हाट वाज द फर्स्ट नेशन फॉर द नेशन, व्हाई डिड इट गिव। तो द फर्स्ट विजन फॉर इंडिया वाज टू, तो इस क्वेश्चन का मैं पहले अर्थ बता देता हूँ, प्रश्न क्या पूछा गया। व्हाट वाज द फर्स्ट विजन फॉर द नेशन, व्हाट डिड इट गिव। तो जो द भारत के राष्ट्र था उसका पहला लक्ष्य क्या था और हमने उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया। तो ये इस क्वेश्चन का जो सही अर्थ क्या है, द फर्स्ट विजन ऑफ इंडिया, द फर्स्ट विजन फॉर इंडिया वॉज टू गेट इंडिपेंडेंस। तो भारत के लोगों का पहला जो लक्ष्य यह था कि हमें स्वतंत्रता प्राप्त करनी है। टू क्रिएट द बेस्ट लीडर इन मैनी फील्ड लाइक पॉलिटिक्स, फिलोसफी, जुडिशरी, इंडस्ट्री एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और हमें अलग अलग क्षेत्र के एक बहुत ही समझदार और बहुत अच्छे नेतृत्व की जरूरत है, राजनीति में, मनोविज्ञान में, न्याय में, उद्योगपतियों में, टेक्निक और साइंस में। तो हमें सब इन सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही कुशल नेतृत्व की जरूरत है। आई एडिशन टू इट इम्प्रूवमेंट टू प्लेस इन मैनी एस्पेक्ट। और हमें इसके अलावा हर जगह पर क्या करना पड़ेगा, इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, धीरे धीरे हमें क्या हर क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ेगा। इन लिटरेसी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, चाहे हम हमारे देश के अंदर आपको पता है पहले निरक्षरता, अनपढ़ एक बहुत कम पढ़े लिखों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। तो उन्होंने बात करी कि पढ़ाई, हमें अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। एग्रीकल्चर मतलब कृषि के जो उत्पादन है उसको बढ़ाना पड़ेगा। स्ट्रेटजिक एरिया मतलब जो सेना वगैरह है उसको भी और बढ़ावा देना पड़ेगा। सर्टेन स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री ऑफ योर नेशन, और हमें स्मॉल छोटे और बड़े उद्योगों को भी साथ के साथ बढ़ाना पड़ेगा। तो दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या पूछा बताया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम में, उनका उन्होंने ये बताया कि पहला लेसन, तो पहला जो लक्ष्य हमारे देश का वो क्या था, इंडिपेंडेंस में स्वतंत्रता प्राप्त करना। उसके बाद है दूसरा लक्ष्य क्या है, हमें हर क्षेत्र में आगे बढ़ना है, चाहे हमें राजनीति हो, चाहे हमारे न्याय हो, चाहे हमारी उद्योग हो, चाहे हमारा विज्ञान हो और चाहे तकनीक हो, हमें हर क्षेत्र में आगे बढ़ना है। और इसके अलावा हमारे जो कृषि है उसको बढ़ाना है, सेना को आगे बढ़ाना है और जो शिक्षा है उस क्षेत्र में भी हमें आगे बढ़ना है, ताकि हमारा देश है वो बहुत अच्छे से प्रगति कर सके। आप बढ़ते 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर द 5 की एरिया ऑफ इंटीग्रेटेड एक्शन रिक्वायर्ड टू द डेवलपमेंट इंडिया। तो भारत का जो 5 ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जिनमें भारत को प्रगति करने की जरूरत है, तो कौन से एरिया हैं। इन ऑर्डर टू रियल
इन ऑर्डर टू रियलाइज ए डेवलप्ड इंडिया बाई 2020। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, उनका 2020 तक भारत को एक आधुनिक राष्ट्र बनाने का क्या था, एक लक्ष्य था। तो उन्होंने पांच ऐसे ऐसे क्षेत्र बताए थे जिनमें भारत को क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। हैव बीन आइडेंटिफाई फॉर द इंट्रीगेशन एक्शन। तो हमें पांच उन क्षेत्रों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ना खोजना पड़ेगा वो कौन से क्षेत्र हैं। तो कौन से क्षेत्र उन्होंने बताया था, पहला था एग्रीकल्चर मतलब कृषि, फिर क्या फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग क्या होता है, खाद्य प्रणाली को आगे बढ़ाना। जैसे बाजार के अंदर अनाज तो आ गया, लेकिन अनाज आपको पता है शहरों में अनाज को पहुंचाना वो क्या होता है, एग्रीकल्चर। फूड प्रोसेसिंग होता है एजुकेशन, शिक्षा, हेल्थ केयर मतलब क्या होता है, स्वास्थ्य संबंधित चीज़ें, और इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो सड़क वगैरह हो गया उससे संबंधित, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और तकनीक से संबंधित, आपकी जो जितनी भी तकनीक है उसको आगे बढ़ाना है। द प्रोसेस ऑफ द क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एंड द स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज, इसके साथ हमें जो तकनीकी जितनी भी जो उद्योग है उनको भी हमें क्या बढ़ाना पड़ेगा। तो उन्होंने कौन से उद्योग बताए थे, कृषि को, शिक्षा को, स्वास्थ्य को और इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसके साथ टेक्नोलॉजी में भी हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो उनके अनुसार इन इन सभी एरिया में हमें बहुत आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अब बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डिड द गर्ल एट द स्टेशन सेल एंड हाउ मैनी टाइम डिड द ऑथर मीट हर। तो वो लड़की है वो मतलब स्टेशन के ऊपर क्या बेच रही थी और जो ऑथर है वो उनसे कब मिले। तो इस क्वेश्चन, द गर्ल सोल्ड बास्केट्स एट द स्टेशन। तो जो लड़की है वो क्या बेच रही थी, वो बास्केट्स कटोरिया बेच रही थी टू अर्न ए लिविंग, अपनी आजीविका चलाने के लिए मतलब अपना खान पान चलाने के लिए। द राइटर मीट हर ट्वाइस, और लेखक उससे कितनी बार मिला, 2 बार। तो जो लड़की से लेखक है वो 2 बार मिला, और कहाँ पर मिला, स्टेशन पर मिला, और वो वहाँ पर क्या कर रही थी, अपनी जीविका चलाने के लिए कटोरिया बेच रही थी। अब बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। व्हाट एसोसिएशन द ऑथर वॉज विद डोली। तो डोली के साथ जो ऑथर है उसके क्या रिश्ते थे, उसके क्या संबंध थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा, द राइटर मीट ए गर्ल एट ड्योल स्टेशन। तो ड्योल नामक जो स्टेशन है वहां पर जो राइटर है लेखक है वो उस लड़की से मिलता है वाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम दिल्ली। तो कब मिला, जब वह दिल्ली से वापिस अपने घर की तरफ लौट रहा था तब मिलता है। द पुअर गर्ल एट द प्लेटफॉर्म ऑफ द दियोल, तो दियोल या के जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर वो क्या है, उस गरीब लड़की से मिलता है। सी वाज अट्रैक्ट बाई हर चार्म, वो उसकी खूबसूरती से क्या हो जाता है, मोहित हो जाता है। ऑन हिज सेकेंड विजिट, उसकी दूस जब वो वापिस पहली बार वो उस स्टेशन पर मिल गया फिर वो वापिस पर आता है। सी गोज डीपर इन हिज लव फॉर द गर्ल, और वो उसके प्यार में क्या हो जाता है, और अधिक मोहित हो जाता है। बट लेटर विजिट ही डज नॉट सी हर, बट वो फिर से उस स्टेशन पर आता है तो उस लड़की को वहां पर नहीं पाता है। हाउ एवर हर मेमोरीज कीप ऑन हर हॉन्टिंग, उसकी जो मेमोरीज हैं उसकी यादें हैं वो उसको क्या करती हैं, बार बार तंग करती हैं इन हिज माइंड, उसके दिमाग में। वेन एवर ही पासेज दियोल ही लुक फॉर द गर्ल बट टू नो एविल, वो हर बार उस स्टेशन पर दियोल नामक स्टेशन पर जाता है लेकिन उसे वो लड़की नहीं मिलती है। तो ये उस लड़की के जो लेखक के साथ क्या थे, संबंध थे। तो आपको समझ में आ गया होगा ये प्रश्न। अब बढ़ाते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। व्हाट हैपन एट द प्लेटफॉर्म ऑफ द दियोल वेहन द ऑथर वॉज रिटर्निंग बैक टू दिल्ली। तो जब ऑथर है, वाट हैपन एट द प्लेटफॉर्म ऑफ द ड्योली वेन द ऑथर वॉज रिटर्निंग बैक टू द डेली। तो जो क्या होता है जब जो ऑथर है जो लेखक है वो वापस ड्योल नामक जो वहाँ पर आता है प्लेटफॉर्म पे आता है, तो क्या होगा, वाइल रिटर्निंग फ्रॉम डेली वेन द ट्रेन रीच एट द प्लेटफॉर्म। तो जब दिल्ली से वापस लौट रहा था जो क्या बोलते हैं ऑथर, तो क्या होता है, प्लेटफॉर्म पे द ऑथर वॉज लुकिंग आउट द गर्ल। तो ऑथर है जो लेखक है वो एक लड़की को देखता है। वेहन सी वॉज हर वॉकिंग अप फॉर द प्लेटफॉर्म, वो क्या होती है, धीरे धीरे प्लेटफॉर्म की तरफ चल के आ रही थी। सी स्प्रैंग ऑफ द फुटपाथ एंड वेव टू हर, वो क्या होता है, वो उछलकर फुटपाथ पर आती है मतलब फुटपाथ होती है ना उस पर उछलकर आती है और जो लेखक होता है उसकी तरफ हाथ हिलाती है। सी ऑल्सो नोटिस्ड द ऑथर एंड स्माइल, वो ये भी चीज़ देखती है कि ऑथर है लेखक है वो उसकी तरफ देखकर क्या कर रहा था, स्माइल कर रहा था मतलब हंस रहा था।
इट वॉज एट मोस्ट लाइक द मीटिंग ऑफ हर ओल्ड फ्रेंड, ये ऐसे लग रही थी कि जैसे दो पुराने मित्र आपस में मिल रहे हों। वे हर दे वर बहुत प्लीज, दोनों वो आपस में देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे। बाई अंडर द प्रेशर ऑफ हर फीलिंग द ऑथर कोट हर हैंड, वो अब उसने क्या किया, ऑथर ने उसका हाथ पकड़ लिया। दे ही आक्ट सम टाइम, कुछ देर के बाद में वो बातचीत करते हैं। इन द मील टाइम दे फील ऑफ द डिपार्चर चेंज, वो आपस में क्या करते हैं, थोड़ा अंदर से अच्छा महसूस करता है। द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग टू कोच कैच इट टू द ऑथर हैड टू रन, उसके बाद में क्या, थोड़ी देर बाद में ट्रेन चलने लग जाती है और ऑथर उसको पकड़ने को दौड़ता है। तो ये थे सबसे। देखो ये कहानियाँ, 7 नंबर क्वेश्चन है, नरेट द स्टोरी द ट्रेन एट डोली इन योर वर्ड्स। तो ये बहुत लंबी स्टोरी है, मैं आपको सीधी सीधी शब्दों में समझा देता हूँ। देखो रक्सिन बोंड नामक ये जो लेखक है, ये कहानी कब की है, ये कहानी जब की है, जब रक्सिन बोंड है, द नाइट ट्रेन एट डोली नामक एक कहानी है जो रक्सिन बोंड के द्वारा लिखी गई है। इसको अपने शब्दों में बताना है तो मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बता देता हूँ ये कहानी किस प्रकार से। देखो रक्सिन बोंड की जवानी की कहानी, उन्होंने जवानी में थे तब उन्हें एक लड़की से प्रेम हो जाता है। कब होता है, जब वो एक प्लेटफॉर्म पर एक लड़की को देखते हैं, गरीब लड़की को, तब उनसे प्रेम हो जाता है। तो वो कहानी है, ये किस प्रकार से मैं आपको बता देता हूँ। देखो क्या होता है, रक्सिन बोंड अब दिल्ली आ रहे होते हैं, तब उसी समय ड्योली नामक कोई जगह होती है, वहाँ पर आ रहे होते हैं। तो वो प्लेटफॉर्म पे जैसे उतरते हैं तो उन्हें गरीब लड़की दिखाई देती है। अब रक्सिन बोंड जवानी में होते हैं, युवावस्था में होते हैं, तो पहली बार देखते हैं उन्हें, उनसे क्या हो जाता है, उस लड़की से उसे प्रेम हो जाता है। वो लड़की गरीब है, उसके फटे हुए कपड़े हैं सारे के सारे, है ना। वो लड़की भी रक्सिन बोंड की तरफ देखती है, दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। फिर रक्सिन बोंड उसको अपने पास बुलाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखकर वो चले जाते हैं। फिर क्या होता है, रक्सिन बोर्ड एक बार फिर आता है ड्योल नामक स्टेशन पर, जब उसे अपनी दादी के घर पर जाना होता है। जैसे वो ड्योल नामक स्टेशन पर आता है तो वो लड़की उसे एक बार फिर मिलती है, रक्सिन बोर्ड को। तब वो एक दूसरे को हाथ में हाथ रखकर कुछ दूरी तय करते हैं, लेकिन कुछ बोलते नहीं हैं। फिर क्या हो जाता है, ट्रेन आ जाती है और रक्सिन बोर्ड जल्दी से उस ट्रेन को पकड़ लेता है। रक्सिन बोर्ड वापस घर से वापस अपने ड्योल स्टेशन पर जब लौटता है, तब वो उस लड़की को खोजने को बहुत प्रयास करता है, लेकिन वो लड़की उसको कहीं नहीं मिलती है। वो प्ले स्टेशन मास्टर से भी पूछता है, सभी व्यक्तियों से पूछने की प्रयास करता है कि वो लड़की वास्तविकता में है कहाँ, लेकिन उसे कहीं पे भी सही उत्तर नहीं मिलता है। फिर रक्षण बोर्ड जब अपने घर लौटता है तो उसके सभी जर्नी में उसकी क्या यादें चल रही होती हैं। तो ये है इस चैप्टर की समरी। चलो अब बढ़ते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ, हाउ डिड गांधी एंड हिज फ्रेंड बिकम द वॉलेंट्री एजेंट ऑफ द इंडियन स्पिनिंग मिल्स। तो गांधी और उसके दोस्त, महात्मा गांधी और उसके दोस्त, किस प्रकार से स्वतंत्र सेनानियों का काम किया उन्होंने, खादी का जो जो स्वदेशी आंदोलन शुरू किया था, तब उन्होंने चरखा शुरू किया था उस वक्त। गांधी एंड हिज फ्रेंड्स वॉर डिटरमाइंड टू वियर द हैंडलूम क्लॉथ मेड बाय द स्वदेशी यर्न। तो गांधी जी और उनके दोस्तों ने ये मतलब और अन्य स्वतंत्र सेनानियों ने यह निश्चय किया कि वो भारत में बने हुए खादी के कपड़े ही पहनेंगे। बट द वीवर्स क्लोथ्स फ्रॉम द फॉरेन यर्न, बट इस समय जो खादी के कपड़े आते थे वो कहाँ से आते थे, विदेश से या अंग्रेजों से आते थे। गांधी सर्च सम वीवर्स हु एग्री टू वीव स्वदेशी यर्न। गांधी जी ने क्या किया, स्वदेशी आंदोलन चलाने के लिए, अपने स्वदेशी कपड़ा बनाने के लिए, उन्होंने कुछ स्वदेशी खादी के कपड़े निर्माण करने वालों से, बनाने वालों से उन्होंने क्या किया, बातचीत करी और उनको सहमत किया कि आप उन्हें कपड़े बनाकर दो। सो बाय अडोप्टिंग क्लॉथ वीवन फ्रॉम द मिल यर्न एंड सोइंग इट अमंग देयर फ्रेंड्स, और उन्होंने क्या किया, कुछ जो खादी के कपड़े बनाने वाली मिलें थी उनको क्या कर लिया, अपने अंडर ले लिया, मतलब उनके साथ काम करने लगे। ही मेड देम सेल्फ ओन द इंडियन स्पिनिंग मिल्स, और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, भारत खुद अपने हाथों से चरखा चलाते थे, खादी का निर्माण करते थे। इस प्रकार से उन्होंने भारत के अंदर स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाया, खादी और स्वदेशी कपड़ों को एक नई पहचान दी। आप पढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ, व्हाट वाज द डिफिकल्टी फेस्ड बाय देम आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द हैंडलूम एट साबरमती। तो किस प्रकार की मुश्किलें हैं वो सामना करनी पड़ी साबरमती के आश्रम में हैंडलूम केस में। तो गांधी जी एंड हिज फॉलोअर्स इंट्रोड्यूस हैंडलूम एट साबरमती। तो गांधी जी है और उसके जो अनुयायी है, सभी लोग क्या करते थे, हैंडलूम है उसको मतलब हथकरघा है उसको साबरमती में क्या किया था उन्होंने शुरू किया था। तो गांधी जी अब चरखा चलाना शुरू करे थो कठे साबरमती आश्रम में। बट नेव नन ऑफ देम वॉज आर्टिशियन, बट गांधी जी और उनका जो सारा का सारा जो सहयोगी था या स्वतंत्र सेनानिया, कोई ने भी वो चरखो चलाना को नहीं आता। दे डिड नॉट पॉट नोन हाउ टू ऑपरेट द लूम्स, उन्होंने उस चरखे को
मतलब चरखा और उस खादी को सही से यूज करना नहीं आता था, दे नीडेड ए वीविंग एक्सपर्ट टू टीच देम वीविंग। तो उन्हें एक प्रकार के किसी एक्सपर्ट की जरूरत थी जो उन्हें इस प्रकार की खादी को करना चलाना सिखाए। तो देखो सीधी सीधी बात है, यहाँ पूछी गई है कि गांधी जी का द्वारा किस प्रकार की मुश्किलों को सामना करोगे हो जो खादी है उको निर्माण करता समय। तो क्या करेगा भाई गांधी जी ने ना, पहली बात तो खादी को मिली, खादी मिल गई तो उन्होंने चरखो चलाना को नहीं आता, तो उन्होंने कि एक एक्सपर्ट ना हायर करना पड़े हो खादी ने जो चरखाने चलान के लिए और खादी का कपड़ा को निर्माण करने के लिए। यो है। अब अगले नंबर क्वेश्चन है, नरेट नरेट द बर्थ ऑफ खादी इन अवर वर्ड्स, इन और तो अपने शब्दों में खादी के जन्म की कहानी को अपने शब्दों में बताएं। तो या किस प्रकार से कहानी है, गांधी जी बिलीव दैट ए स्पिनिंग वाट और ए हैंडलूम वॉज द पेनेसिया फॉर द इंडिया इंक्रीजिंग पॉवर्टी। तो थाने भी पेरा अंग्रेजा कह करे हो, अंग्रेजा भारत से तो सारो कपास ले जाता ठीक है और वही कपड़ों भारत में ले जाके महंगा रुपया बेच देता, तो इस भारत में धीरे धीरे क्या होगी गरीबी फैलने लगी। तो गांधी जी बोलिया आप अपना खुद का कपड़ा पहनेगा, इससे क्या होगी भारत में रोजगार की समस्या है और गरीबी है, बेरोजगारी की समस्या और गरीबी है दोनों चीज़ दूर हो जाएंगी। तो इन 1915 इंट्रोड्यूस सम हैंडलूम एट द आश्रम ऑफ साबरमती। तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत करते हुए उन्होंने 1900, यो गलत है, 1915 को नहीं हो रहे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था हैंडलूम हथकरघा कटे साबरमती आश्रम के अंदर, उन्होंने के चरखा चलाना शुरू किया था। बट गांधी जी एंड हिज फॉलोअर्स डिड नॉट नो हाउ टू अप्रोच द हैंडलूम। तो गांधी जी है और उनका साथ के जो स्वतंत्र सेनानी है उन्हें जो हथकरघा वो चलाना नहीं आता था। बट दे वर डिटरमाइंड टू पुट ऑन ओनली द क्लॉथ वोवन बाय देयर ओन हैंड। और उसके अलावा बट जो स्वतंत्र सेनानी और गांधी जी पर क्या था, निश्चयवादी था कि उन्होंने कपड़ा खादी का कपड़ा अपने हाथों से ही बनाना है। देयर फोर दे अप्रोच द वीवर्स। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो अन्य जो खादी को काम करने वाले हथकरघाओं को अपने पास बुलाया, द स्पिनिंग व्हील एंड इज ग्रेट डिफिकल्टी, ताकि उन्हें वो ये सब चीज़ें सिखा सके किस प्रकार से चरखा चलाया जाता है। टू फुलफिल दिस पर्पज गांधी जी डिस्कवर्ड ए टैलेंट वुमेन गंगा बहन। इस काम को करते हुए उन्होंने गांधी जी ने एक बहुत ही जो टैलेंटेड एक प्रतिभाशाली महिला गंगाबाई को क्या क्या खोजा, गंगाबाई मजूमदार को, हु प्रोमिज हिम टू टेक ए सिंसियर एफर्ट टू सर्च द स्पिनिंग। गंगा बहन मजूमदार के द्वारा ही ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी इस अभियान को चलाने के लिए और उन्होंने गांधी जी को और अन्य जो स्वतंत्र सेनानी वहां पर रहते थे साबरमती आश्रम पे, सभी को क्या है हथकरघा चलाना सिखाया। तो इस प्रकार से जो खादी है उसका जन्म होता है। तो ये कहानी थी जो खादी का, द बर्थ ऑफ द खादी का।